स्त्री को पहले द्रवित करने वाला प्रयोग। दोस्तों, बहुत से मित्र चाहते हैं कि उनकी स्त्री द्रवित नहीं हो पाती, सेक्स करते समय उसका डिस्चार्ज नहीं होता। तो ऐसे मित्रों के लिए मैं बहुत अच्छा तोहफा बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत मित्रों को बताया और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ और आप इससे लाभ ले सकें। जो मित्र शीघ्र पतन के रोगी हैं, उनको तो इसका बहुत सारा लाभ होने वाला है, क्योंकि उनका जो पार्टनर है बहुत जल्दी द्रवित होगा और बार बार द्रवित होता रहेगा, बार बार उसका डिस्चार्ज होगा और उसको संभोग में भी बहुत आनंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अमनदीप सिंह चीमा। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो आपको कभी किसी ने ना बताया होगा, लेकिन आयुर्वेद में बहुत ताकत है, बहुत ऐसे ऐसे नुस्खे भरे पड़े हैं। उसमें से आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत सफल नुस्खा है और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। दोस्तों, आपने संभोग से पहले अपनी स्त्री को, अपनी पार्टनर को पान के पत्ते में सुहागा, एक चुटकी सुहागा रख के खिला देना है और आपने उससे संभोग करना है। इसके प्रयोग से उसका बार बार डिस्चार्ज होगा और उसको संभोग में आनंद भी आएगा और उसकी पूर्ण तृप्ति होगी। जो शीघ्र पतन के रोगी हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप शहद में सुहागा लेप करके, लिंग पर लेप करके रख दें, 5-10 मिनट बाद उसको साफ करके संभोग करें, इससे भी आपका जो साथी है, पार्टनर है, बार बार द्रवित होगा, बार बार उसका डिस्चार्ज होगा और उसको संभोग में भी बहुत आनंद आएगा और आपको पहले से ज़्यादा प्रेम करेगा और उसके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी और आपका प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के सेक्स संबंधी रोग से परेशान हैं, आपका साथी परेशान है, गुप्त रोगों से परेशान है, तो हमारे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें, निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। घर बैठे आप मेडिसिन मंगवा के अपनी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।